सो हेलो दोस्तों, मैं आज बनाने वाला हूँ मशरूम मोमो, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। तो उसके लिए आप लोगों को मशरूम ले लेना है, प्याज लहसुन अदरक टमाटर और हरा धनिया, और साथ में हरा मिर्च ले लेना है। सो मशरूम को बारीक काट लेना है, जिस तरीके से मैं काट रहा हूँ उसी तरीके से आप लोग भी काट लीजिए बारीक। सो जल्दी जल्दी मैं सबका मशरूम को काट लेता हूँ। तो जिस तरीके से मैं काट रहा हूँ मशरूम को, उसी तरीके से आप लोग भी मशरूम को काट सकते हैं बारीक। काफ़ी टेस्टी होता है गाइस, बार बार याद करता है, ऐसा टेस्टी होता है मशरूम मोमोज। सो जल्दी से मैं सारा मशरूम को काट लेता हूँ बारीक। देख सकते हैं किस तरीके से मैं बारीक काट रहा हूँ मशरूम को, उसी तरीके से आप लोग भी काट सकते हैं मशरूम को। सो देख सकते हैं काफ़ी बारीक काटना है। सो सारा मशरूम को मैं काट लिया हूँ, अब काटना स्टार्ट करते हैं प्याज को। सो प्याज भी बारीक काट लेना है। तो प्याज में काट लिया, अभी एक टमाटर भी काट लेता हूँ जल्दी से, बारीक काट लेना है टमाटर भी। सो अब हरा मिर्च को भी बारीक काट लेता हूँ जल्दी से। सो हरा मिर्च को भी बारीक काट लेना है। सो अब अदरक का बारी। सो अदरक को मैं जल्दी से कोर लेता हूँ। सो साथ में लहसुन भी कोर लेता हूँ जल्दी से मैं। अदरक और लहसुन को आप साथ में मिक्सी में भी क्रश कर सकते हैं। लहसुन और अदरक एक साथ कर लेना है। तो हरा धनिया भी जल्दी से बारीक काट लेता हूँ। सो देख सकते हैं बारीक में काट के सारा रेडी कर चुका हूँ, सब चीज़ देख सकते हैं। सो देख सकते हैं रेडी हो चुका है। सो अब मैं मैदा ले लेता हूँ, उसमें ऑयल ऐड करना है और ऑयल को मैदा में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। हम 3 जन हैं इसलिए मैं 2 कप मैदा का यूज कर रहा हूँ मोमोज बनाने के लिए। आपके फैमिली में जितने हैं उसी अनुसार से आप मैदा ले सकते हैं। सो मैं 2 कप मैदा लिया हूँ। सो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आटा को गूंदना है ताकि गीला ना हो। सो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए आटे को अच्छे तरीके से गूंदना है, एकदम अच्छे तरीके से गूंदना है आटे को, जिससे मोमोज काफ़ी बढ़िया बनता है। तो मैं गून कर रेडी कर लिया हूँ, देख सकते हैं आटा गून चुका है, अब ढक के रख देता हूँ। चलिए अब मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं मोमोज के लिए। सो गैस चूल्हे पर कढ़ाई रख दिया हूँ, गर्म हो चुका है। कढ़ाई में सरसों का ऑयल ऐड कर दिया है, उसके बाद अब ऐड करना है अजवाइन, मूंग दाल और थोड़ा सा हींग। सो अब ऐड करते हैं प्याज और बारीक कटा हुआ मिर्च साथ में। टमाटर भी ऐड कर देते हैं। सो ऐड कर दिया, अब अच्छे तरीके से भूनना है जब तक कि उसका पानी सूख ना जाए। जब तक पानी ना सूख जाए तब तक अच्छे तरीके से भूनना है प्याज टमाटर। अच्छे तरीके से भूनने के लिए अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं। नमक से जल्दी पानी सोखता है। सो अब मशरूम ऐड करते हैं, पानी सोख चुका। सो अब मशरूम को भी अच्छे तरीके से भूनना है,
काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ता है, ये पानी सारा सुखाना है हमें। तो देख सकते हैं पानी कम हो गया, अब इसमें हल्दी ऐड कर देते हैं। आप सादा भी बना सकते हैं, मैं रंग के लिए हल्दी को यूज कर रहा हूँ। सो मसाला, जीरा धनिया का मसाला ऐड किया, उसके बाद गरम मसाला ऐड किया। सो लहसुन और अदरक का पेस्ट जो तैयार किया था वो लास्ट में ऐड करना है। सो अब साथ में धनिया भी ऐड कर देना है, हरा धनिया। अब अच्छे तरीके से भूनना है मसाले को, बिल्कुल अच्छे तरीके से भूनना है, एकदम सूखा करना है, पानी नहीं रहना चाहिए, लो फ्लेम में अच्छे तरीके से भूनना है मसाले को। सो देख सकते हैं मैं किस तरीके से भून रहा हूँ। सो सूख चुका है, भून चुका है अच्छे तरीके से। अब निकाल लेता हूँ एक बर्तन में, देख सकते हैं एक भी पानी नहीं है। सो अब मोमोज बनाने स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं मोमोज बनाने स्टार्ट करते हैं। सो हमने बेलना स्टार्ट कर दिया है, ऑयल लगा के बेलने से काफ़ी अच्छे से बनता है मोमोज की रोटी। सो देख सकते हैं मुझे ज़्यादा भुट्टा बनाना तो नहीं आता है, सादा सिंपल बना रहा हूँ मोमोज, देख सकते हैं। सो जल्दी जल्दी मैं सारा मोमोज बना लेता हूँ। काफ़ी टेस्टी होता है मशरूम मोमोज, आप भी ट्राई कीजिएगा। सो ज़्यादा मुझे भुट्टा बनाना नहीं आता है, सिंपल बना रहा हूँ। देख सकते हैं सो मैं जल्दी से सारा मोमोज बना लेता हूँ। सो मैं सारा मोमोज बना लिया और पकने के लिए रख दिया हूँ, देख सकते हैं। सो अब ढक के रख देते हैं पकने के लिए 30 मिनट तक। सो उधर मोमोज पक रहा है, इधर हम टमाटर चटनी के लिए तैयार कर लेते हैं टमेटो। सो गैस पर भून रहा हूँ, आप आग पर भी भून सकते हैं, हम सिटी में रहते हैं इसके वजह से गैस पर भूनना पड़ रहा है। सो हमने भून लिया है, सारा छिलका निकाल दिया है, पीसने के लिए रेडी करते हैं मिक्सी में। देख सकते हैं टमाटर, हरा मिर्च, हरा धनिया, लहसुन और तीमूर ऐड किया है, जिससे कि काफ़ी टेस्टी चटनी बनेगा, देख सकते हैं तीमूर। सो अब नमक भी ऐड करते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है, अब जल्दी से क्रश कर लेते हैं मिक्सी में।
सो हमने मिक्सी में क्रश कर लिया है। चटनी देख सकते हैं काफ़ी मस्त लग रहा है। देख सकते हैं चटनी काफ़ी मस्त लग रहा है। देख सकते हैं टमाटर की चटनी मोमोज के साथ काफ़ी टेस्टी लग रहा है। देख सकते हैं मोमोज भी बन के रेडी हो गया है। सो अब खाना स्टार्ट करते हैं। सो मम्मी पापा को बुलाते हैं। सो देख सकते हैं मम्मी कह रहे हैं काफ़ी टेस्टी है। सो अब मैं खा के बताता हूँ कैसा बना है मोमोज। एक नंबर बना है दोस्तों। सो अच्छा यार, मस्त।